क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो क्या है, इधर एक स्टडी लैंप है तो उसका पोजीशन हमें डिस्क्राइब करना है कि वो कहाँ है, मतलब दूसरे पर्सन को हमें बताना है कि वो स्टडी लैंप कितने डिस्टेंस पर रखा गया है। तो कैसे करेंगे इसे, देखो इधर अगर हम लोग बैठते हैं, देखो इस जगह पे अगर हम लोग बैठते हैं तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट, जिधर हम लोग बैठते हैं वो हो जाएगा हमारा फ्रंट, तो ये हम लोग को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा फ्रंट। और इसके देखो इधर बैठेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का राइट और ये हो जाएगा हम लोग का लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का लेफ्ट। तो अगर मेरे को डिस्क्राइब करना है कि कोई पर्सन को, मतलब बताने का है कोई पर्सन को कि ये स्टडी लैंप कहाँ रखा गया है, तो अगर मैं इधर से एक लाइन ड्रॉ करके इसे कोई फीट, मतलब कुछ भी नंबर दे दूँ इसे, फॉर एग्जांपल मैं इधर लाइन ड्रॉ करके इसे 2 फीट दे देता हूँ और इधर से भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसे 1 फीट दे देता हूँ नाम, तो क्या हो जाएगा, मैं अब डिस्क्राइब कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि अगर ये 2 फीट है और ये 1 फीट है, मैंने सिर्फ लेट किया है, मुझे पोजिशन नहीं पता, मैंने लेट किया है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 फीट और ये हो जाएगा 1 फीट। तो क्या हो जाएगा, फ्रंट से मेरा कितना हो गया 2 फीट और लेफ्ट से 1 फीट। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, मैं लिख सकता हूँ सो द पोजिशन ऑफ द टेबल लैम्प इज 1 फीट फ्रॉम द लेफ्ट एज, लेफ्ट एज से कितना फीट, 1 फीट, और 2 फीट फ्रॉम द फ्रंट एज, 2 फीट से 2, फ्रंट से 2 फीट, तो ये हो जाएगा मेरा, मैंने लेट किया है, मेरे को कोई मतलब नंबर दिया नहीं है पर्टिकुलर, इसलिए